इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए। और फरमाते हैं, जब अक्ल बढ़ती है तो बातें कम हो जाती हैं, यानी ज़्यादा बोलना परेशान ख्याली का नतीजा होता है और परेशान ख्याली अक्ल की खामी का नतीजा होती है। और जब इंसान की अक्ल कामिल और फहम पुख्ता होता है तो उसके ज़हन और ख्यालात में तवाज़ुन पैदा हो जाता है और अक्ल दूसरे कवाए बदनिया की तरह ज़बान पर भी तसल्लुत और इक्तदार हासिल कर लेती है, जिसके नतीजे में ज़बान अक्ल के तकाज़ों से हटकर और बेसोचे समझे खुलना गवारा नहीं करती। और ज़ाहिर है कि सोच विचार के बाद जो कलाम होगा वो मुख्तसर और ज़वायद से पाक होगा। और फरमाते हैं, जो लोगों का पेशवा बनता है तो उसे दूसरों को तालीम देने से पहले अपने को तालीम देना चाहिए और ज़बान से दर्स अख़लाक देने से पहले अपनी सीरत और किरदार से तालीम देना चाहिए। और जो अपने नफ्स की तालीम और तादीब कर ले वो दूसरों की तालीम और तादीब करने वाले से ज़्यादा एहतराम का मुस्तहक है।